हेलो प्यारे व्यूवर्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग साउंड ऑफ वोवेल ई सीखेंगे, तो आइए हम लोग साउंड ऑफ वोवेल ई के बारे में सीखते हैं। ई को बोलते समय हमारे लिप्स बाहर की तरफ खींचते हैं, तो आइए बोल के देखते हैं। सबसे पहले थ्री लेटर साउंड ऑफ ई वर्ड्स है, हैन, पेन, डेन, रेड, बेड, टेन। तो आपने देखा इन वर्ड्स में साउंड ऑफ ई मिड में यूज हो रहा है और हमारे लिप्स बाहर की तरफ जा रहे हैं। अब हम लोग फोर लेटर साउंड ऑफ वोवेल ई वर्ड्स को देखते हैं, बेल, सेल, वेल, ट्री। तो आप लोगों ने देखा साउंड ऑफ वोवेल ई का यूज हो रहा है। अब मैं आप लोगों को शॉर्ट ई और लॉन्ग ई के बारे में बताती हूँ। जिन वर्ड को जल्दी से बोला जाए उसे शॉर्ट ई वर्ड कहते हैं, जैसे बेट, सेट, पेट, टेल, फेल, वेल। तो देखा इन सभी वर्ड को जल्दी से बोला जाता है, तो इसीलिए इन्हें शॉर्ट ई वर्ड कहते हैं। अब हम लोग लॉन्ग ई वर्ड को देखते हैं, जैसे सीट, मीट, फील, हील, नीड, लीड। तो आप लोगों ने देखा लॉन्ग ई वर्ड्स में लिप्स जल्दी से क्लोज नहीं होते हैं, तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से ये सब कुछ समझ आ गया होगा। इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। मैं मिलती हूँ इसमें हम लोग साउंड ऑफ वोवेल आई के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, बाय बाय। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।